दोस्तों ये देखिए, ये रहा मेरा लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस चेन्नई सुपर किंग का टिकट गाइस। ये है दोस्तों यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग का दोस्तों ड्रेसिंग रूम, ये रहा, और इधर साइड लखनऊ सुपर जायंट्स का। और तो ऑफलाइन मतलब फिजिकल टिकट कहाँ से परचेस कर सकते हैं और टाइमिंग क्या है टिकट परचेस करने, ये देखिए भाई, ये आपको मिल रही है मात्र 200 रुपए में। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय साहिल। गाइस, आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला, आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई जो 19 अप्रैल को यहाँ पे कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस चेन्नई सुपर किंग का जो मैच होने वाला है भाई, उसकी एक अपडेट वीडियो लाइए, फुल अपडेट वीडियो लाइए कि हम लोग टिकट वगैरह कैसे परचेज करें, और हमने अगर ऑनलाइन टिकट वगैरह परचेज किया तो ऑफलाइन मतलब फिजिकल टिकट कहाँ से परचेज कर सकते हो और टाइमिंग क्या है टिकट परचेज करने की, और इसकी टाइमिंग क्या है स्टेडियम के अंदर एंट्री, क्योंकि भाई आप लोगों को प्रैक्टिस देखनी होगी चेन्नई सुपर किंग की। जी हाँ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने खुद के साधन से आते हैं, मतलब बाइक कार वगैरह लाते हैं, तो उसकी पार्किंग वगैरह क्या, और अगर आप अपना बैग वगैरह लाते हैं तो बैग वगैरह क्योंकि अंदर अलाउ नहीं होता स्टेडियम के, तो वो भी कहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। बाकी टिकट्स वगैरह बताने वाले कि आप लोग कैसे परचेस कर सकते हैं, बेसिकली से चेन्नई सुपर किंग का आप कैसे परचेस कर सकते हैं, तो फुल्ली इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और भी जो यहाँ पे मैचेस आने वाले समय में होंगे, जैसे एक राजस्थान से मैच है आपका, एक मुंबई इंडियंस और KKR से, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग वो वाले मैचेस के भी टिकट वगैरह कैसे परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे तो चलिए आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं से शुरू करते हैं और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों देते हैं। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये रहा दोस्तों कान्हा क्रिकेट स्टेडियम, और ये है दोस्तों गेट नंबर 2, और इसी के सामने भाई साहब आपको यहाँ पे ये पूरा स्टेडियम का भाई साहब मैप देखने को मिल रहा है। गेट नंबर 2 है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गेट नंबर 2, और आपको बता दें यहीं पर सबसे बड़ा रास दोस्तों छिपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग की जो पवेलियन है ड्रेसिंग रूम, अगर वो आपको जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा गाइस। ये देखिए, ये है दोस्तों यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग का दोस्तों ड्रेसिंग रूम, ये रहा, और इधर साइड लखनऊ सुपर जायंट्स का, और ये देखिए यहाँ पे ये रहा। अगर आप ये सब टिकट्स वगैरह इधर के परचेज कर सकते हैं तो आप अपने कैप्टन कूल को एकदम पास से दोस्तों देख सकते हैं। बाकी इधर की तरफ तो ये पूरा लखनऊ सुपर जायंट्स का आ जाता है, क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग अगर देखे हो तो मैंने गेट नंबर 5 से एंट्री की हुई थी और हम लोग यहाँ पे बैठते थे इस जगह पे, माई 11 ये सर्कल है लोअर ब्लॉक 2, इसमें हम बैठते थे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, उसमें ये रहा लखनऊ का पवेलियन वगैरह, बाकी ये रहा दोस्तों चेन्नई का पवेलियन वगैरह, बाकी यहाँ पे कई सारे इनर गेट वगैरह बने हुए हैं। और अभी मैं आपको अपना टिकट वगैरह जो मैंने परचेस किया दोस्तों CSK का मैच देखने के लिए, तो उसमें भी मैं अभी आपको समझा दूंगा कि आप अपनी सीट वगैरह कैसे उसमें ढूंढ सकते हैं एकदम आसान से, काफ़ी मतलब दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो उससे पहले आइए, बताने से पहले आइए हम चलते हैं स्टेडियम के पास से, आपको गेट नंबर 2 का दोस्तों नज़ारा दिखा देते, क्योंकि भाई जो लोगों की एंट्री यहाँ पर गेट नंबर 2 से होगी तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, अगर वो लोग ये वीडियो देख के आ रहे हैं तो अपना एंट्री वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये रहा गेट नंबर 2, और ये जो बैरिगेटर आप देख रहे हैं ये पूरे समय पे यहाँ पे लग जाता है और ये पूरा वहाँ तक लगा रहता है, वहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है उसी के पास तक रहता है। और बाकी यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे क्राउड देखने को मिलेगा, और भाई जिस दिन तो यहाँ पे CSK का मैच है उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे क्राउड देखने को मिलेगा। और ये रहा दोस्तों, ये जो आप दोस्तों अभी देख रहे हैं सामने की तरफ, जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तब ये बॉक्स ऑफिस ओपन होता है, अभी नहीं है, अभी कहाँ पे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले आइए, ये देखिए भाई कुछ इस तरीके का आपको नज़ारा देखने को मिल जाता है गेट नंबर 2 का दोस्तों। ये देखिए भाई, अंदर से भी काफ़ी स्टेडियम सुंदर है, मैंने अभी तक यहाँ पे जितने भी मैचेस हुए हैं IPL के 3 के 3 मैंने देखे हुए, तो उसका अभी व्लॉग वगैरह पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप लोग जाके देख भी सकते हैं उनको। और ये रहा कुछ स्टेडियम का बाहर से नज़ारा दोस्तों, और चलिए आइए चलते हैं, अब आपको लेके चलते हैं हम बॉक्स ऑफिस की तरफ, जस्ट वहाँ पे सामने की तरफ जो आप एक यहाँ पे मॉल है फिनिक्स प्लासियो मॉल, तो वहीं पे दोस्तों बॉक्स ऑफिस बनाया गया, तो आपको वहीं पर टिकट्स वगैरह मिल जाएंगे जो भी आप लोगों ने परचेस किए होंगे जिस भी मैच के, तो आसानी से आपको मैच वाले दिन भी दोस्तों टिकट्स वगैरह मिल जाएंगे। ऑनलाइन मतलब आप परचेस नहीं कर सकते, अगर आपने ऑनलाइन बुक किया हुआ है तो ही आपको फिजिकल टिकट वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे लेके चलेंगे। और भी जो लोकेशन पे यहाँ पे बॉक्स ऑफिस बनाया गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, पिछले व्लॉग में मैंने बताया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो इसी में मैं बता दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आइए, अब मैं आपको जो मैंने टिकट परचेज किया CSK का वो मैं थोड़ा इस मैप से मिला देता हूँ कि मेरी सीट कहाँ पर होने वाली है गाइस। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा मेरा लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस चेन्नई सुपर किंग का टिकट गाइस। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टिकट से आप अपनी सीट वगैरह कैसे भाई ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, मेरा है दोस्तों मेन गेट 2 से मेरी एंट्री होने वाली है, लेवल 1 का मेरा टिकट, और इनर गेट T है मेरा, और सीट नंबर है P6। तो आप देख सकते हैं, ये रहा इनर गेट 2 है दोस्तों, यहाँ से मैं एंट्री करूँगा। और जस्ट यहाँ पर ये देखिए,
माई 11 सर्कल है यहाँ पे अपर ब्लॉक 10, तो इसी में मेरा टिकट होने वाला है गाइस। और ये रही दोस्तों यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की पवेलियन गाइस, यहाँ पे बैठेगी और मैं यहाँ पे बैठूंगा, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको मिलने वाला है गाइस यहाँ पे। मतलब वीडियो के माध्यम से मैं काफ़ी अच्छा शूट वगैरह कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये टिकट परचेस किया था। बाकी मुझे ये भी परचेस करना था, बट ये दोस्तों बुक हो चुका था, यहाँ का टिकट दोस्तों सोल्ड आउट हो चुका था, तो इसलिए मैंने नहीं बुक किया था। और बाकी आप लोग इधर का भी बुक कर सकते हैं, इसका भी रेट थोड़ा हाई। और मेरे जो टिकट का प्राइस है दोस्तों वो है दोस्तों 1200, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, तो इसमें कुछ वही 30 से 40 रुपए दोस्तों एक्स्ट्रा मुझे लगे हुए थे कन्वेंस फीस वगैरह दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये रहा दोस्तों इकाना क्रिकेट स्टेडियम, और इसी के जस्ट सामने दोस्तों ये जो फिनिक्स प्लासियो मॉल बना हुआ, इसी के अंदर आपको यहाँ पे टिकट्स वगैरह मिल जाएंगे। जस्ट सामने की तरफ यहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह बना हुआ है वहाँ पे सामने की तरफ, तो आइए तरफ देख रहे हैं। यही है दोस्तों इकाना क्रिकेट स्टेडियम का बॉक्स ऑफिस, जो कि जस्ट सामने बना हुआ इकाना क्रिकेट स्टेडियम के, वो रहा इकाना क्रिकेट स्टेडियम, और उसी के सामने ये रहा दोस्तों बॉक्स ऑफिस। तो यहीं पर आपको टिकट्स वगैरह मिल जाएंगे दोस्तों चारों मैच के, जो भी यहाँ पे होने वाला, अभी लखनऊ सुपर जायंट वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स का होने वाला, उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट वर्सेज दोस्तों राजस्थान का होने वाला, उसके बाद मुंबई का, उसके बाद केकेआर का, तो वो सारे टिकट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। बस थोड़ा सा वेट करिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे परचेस कर सकते हैं उन टिकट को दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारा आपको भीड़ देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे टिकट्स वगैरह लेने के लिए आया हुआ, और वहाँ पर लाइन भी आप देख रहे हैं काफ़ी सारी लगी हुई है। और चलते हैं, आइए थोड़ा सा आपको पास में लेके चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, लाइन भी काफ़ी सारी लगी, और ये जो लाइन लगी है ना वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बाद में बताऊंगा। तो चलिए आइए अब चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, आपको मैंने बॉक्स ऑफिस तो दिखाई दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आपकी काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी कि भाई मैं CSK का टिकट कैसे परचेस करूं, भाई मैं ऑनलाइन कैसे परचेस करें, ऑफलाइन कैसे परचेस करें, तो अभी आपने जैसा देखा होगा मैं अभी गया था बॉक्स ऑफिस के पास, तो मुझे वहां पे जो खबर मिली वो कुछ इस तरीके की न्यूज़ है कि आपको दोस्तों ऑफलाइन टिकट वगैरह नहीं मिलेंगे, आपको ऑनलाइन ही परचेस करना पड़ेगा। और वो आपकी दोस्तों किस्मत है कि अगर आप ऑनलाइन बुक माई शो पर जा रहे, अगर आपको दिखता है तो ही आप परचेस कर सकते हो। और आपको टाइमिंग बता दें कि ये जो दोस्तों बॉक्स ऑफिस ओपन होता है ना बुक माई शो पर, तो ये दोस्तों सुबह के वही दोपहर के 12 बजे खुल जाता है, और वही 12:30-1 बजे तक अगर टिकट सोल्ड आउट नहीं होते तब तक खुला रहता है, और जैसे टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं तो वही बॉक्स ऑफिस बंद हो जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अब 2 दिन बचे, तो आप लोग की किस्मत है गाइस, आप 12 बजे अपना बॉक्स ऑफिस पे जाइए, बुक माई शो पे जाइए, तो वहीं पे अपना देख सकते हैं। बाकी आप राजस्थान और मुंबई वाले टिकट्स भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, और ऑफलाइन यहाँ पे भी आके परचेस कर सकते हैं। और बात करें फिजिकल टिकट की, तो वो आपको दोस्तों यहाँ पे 11 बजे से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक यहाँ पे फिनिक्स प्लासियो मॉल में मिल जाएगा। और एक और बॉक्स ऑफिस बनाया गया, जो कि बनाया गया हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन में, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी टिकट परचेस कर सकते हैं गाइस। तो दोस्तों ये देखिए अभी 19 तारीख को यहाँ पे मैच होने वाला है, और लेकिन जर्सीज वगैरह अभी भी आपको स्टेडियम की तरफ मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे पूरी यहाँ पे शॉप छोटी सी लगी, और ऐसे यहाँ पे लाइन से आपको दुकानें देखने को मिल जाएंगी, उधर की तरफ भी हैं, तो यहाँ पे आपको जर्सीज वगैरह भाई साहब CSK से लेकर के हर टीम की आपको मिल जाएगी, राजस्थान मुंबई लखनऊ कैप वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल रही है। देखिए तो अंकल जी क्या रेट है जर्सी का, 200 रुपये कोई भी ले? अच्छा आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे मात्र 200 रुपये में आपको यहाँ पे जर्सी वगैरह मिल जाएगी। तो मैच वाले दिन आप लोग यहाँ से आके अपना जर्सी वगैरह परचेस कर सकते हैं। अंकल थोड़ा सा दिखाएंगे CSK की जर्सी, ये देखिए गाइस इस तरीके की है, यहाँ पे पीछे धोनी लिखा हुआ, और सामने से फ्रंट से दिखाइएगा, ये देखिए भाई ये आपको मिल रही है मात्र 200 रुपये में। तो मैच के दिन अंकल के पास आइए, अपना लीजिए ये यहीं पर, और मैच वाले दिन भी आप यहीं पर लगाएंगे सेम जगह? अच्छा यहीं पे पूरे में लगा रहेगा, तो आप लोग अंकल को देख लीजिए, आके ले लीजिएगा, जस्ट मॉल के सामने यहाँ पे अंकल की शॉप लगी हुई है गाइस। ये देखिए अपना ले लीजिएगा, सारी जर्सीज वगैरह कैप वगैरह यहाँ पे मिल रही हैं। तो दोस्तों जैसे कि भी आपको मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, बॉक्स ऑफिस दिखा दिया आपको, और यहाँ पे स्टेडियम का थोड़ा व्यू वगैरह दिखा दिया, और यहाँ पे भी टी शर्टें वगैरह भी मिल रही थी तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और अब बढ़ रहे हैं दोस्तों पार्किंग की तरफ, जो यहाँ की पार्किंग वगैरह बनाई गई, जस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोस्तों इकाना क्रिकेट स्टेडियम का गेट नंबर 4, और बस यहाँ पे पीछे की तरफ ही बनाई गई है पार्किंग वगैरह, अगर आपको देखने को मिल रहा हो तो। जस्ट ये जो टीन का सेट है दोस्तों, इसी के पीछे बाइक पार्किंग वगैरह बनाई गई है, और कार पार्किंग वगैरह इधर की पीछे की तरफ, ये बिल्डिंग है उसके पीछे की तरफ, वहाँ पे आपको कार पार्किंग देखने को मिल जाती है गाइस। तो दोस्तों ये देखिए ये कुछ बाइक पार्किंग है, मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, काफ़ी दूर है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्लासियो मॉल के जस्ट पीछे की तरफ ये पूरी दोस्तों पार्किंग का एरिया यहाँ पे दिया गया 2-व्हीलर पार्किंग का, और बाकी 4-व्हीलर पार्किंग वगैरह उधर पीछे की तरफ है, इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ है गाइस। और आपको बता दें
दें, ये जो पार्किंग है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री पार्किंग है, मतलब कोई भी पैसा वगैरह आपका नहीं लिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे भी बाइक पार्क वगैरह कर सकते हैं। और ये रहा दोस्तों गेट नंबर 4 इकाना स्टेडियम का, भाई सही में काफ़ी सुंदर है गाइस, और मैं इन रास्तों में अकेला हूँ गाइस। तो दोस्तों ये था कुछ आज का हमारा व्लॉग, जो अपडेट वीडियो होने वाली थी लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के मैच के बारे में, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी क्यूरीज बता दी। और जो भी बचा है दोस्तों, हाँ एक बैग से रिलेटेड क्यूरी बची हुई, तो हाँ दोस्तों आपका बैग वगैरह अंदर अलाउ नहीं होगा, तो यहीं पर आपको स्टेडियम के बाहर काफ़ी सारी शॉप टाइप में छोटी छोटी देखने को मिल जाएंगे, स्टॉल लगे होंगे, तो वहाँ पर आप 20-30 रुपये आपका लिया जाएगा और सिक्योर रहेगा आपका बैग वगैरह, क्योंकि दोस्तों एक बार मैंने भी यहाँ पर बैग वगैरह जमा किया, तो बाकी आप उन पर भरोसा अगर कर सकते हैं तो ही आप यहाँ पे बैग वगैरह जमा करिएगा। बाकी मैं तो कहता हूँ आप लेके ही मत आइएगा, ना पावर बैंक ना एयरबड, बस हाँ कॉइन्स वगैरह भी इसमें अलाउ नहीं होंगे दोस्तों स्टेडियम में, तो अपना खुल के आइए और खुल के इंजॉय करिए दोस्तों चेन्नई सुपर का वाले मैच को। दोस्तों तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय।